नमस्कार दोस्तों, पेट में गैस कई वजह से बन सकता है। यदि आप लगातार टेंशन लेते रहते हैं तो इससे भी आपके पेट में गैस बन सकता है। या फिर यदि आप ज़्यादा चिंता करते हैं किसी भी बात को लेकर के तो इससे भी आपके पेट में गैस बन सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों, नींद का जो जुड़ाव है हमारे पेट से वह बहुत ही गहरा है। यदि आप ज़्यादा गहरी नींद नहीं लेते हैं तो इससे भी आपका हाजमा खराब हो सकता है, आपके पेट में गैस बन सकता है। इसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर दिन नॉन वेज खाते रहते हैं, चाउमीन, चाट, पिज्ज़ा, छोला भटूरा खाते रहते हैं, तो ऐसे लोगों के पेट में गैस बनना एक बहुत ही आम बात होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए पेट में बने हुए गैस को ख़त्म करने का एक बिल्कुल सरल और देसी नुस्खा बताने वाला हूँ, जिससे आपके पेट में बना हुआ गैस बहुत ही जल्दी निकल जाएगा या फिर कम हो जाएगा। इसके साथ साथ वीडियो के अंत में मैं आपको चार ऐसे टिप्स देने वाला हूँ जिसे यदि आप फॉलो करते हैं तो आपके पेट में गैस कभी बनेगा ही नहीं। तो वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है, आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो यहाँ पर आपको तीन चीज़ों का ही प्रयोग करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर लेना होगा ये दोस्तों हल्दी को। हल्दी क्या करता है, पाचन क्रिया को बढ़ाता है। आप कच्ची हल्दी को ऐसे ही खा सकते हैं। तो घर का बना हुआ जो पिसा हुआ हल्दी होता है, जो बिल्कुल प्योर हल्दी हो, आपको एक चौथाई चम्मच जितना, कुछ इतनी ही मात्रा में आपको यहाँ पर हल्दी को लेनी है। साथ में आपको यहाँ पर सफ़ेद नमक हो, काला नमक हो या फिर सेंधा नमक हो, तीनों में से कोई सा भी नमक हो, आपको यहाँ पर दो चुटकी जितना इस नमक को भी इस हल्दी में ही डाल देनी है। कुछ इस तरह से देख लीजिए, कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को कुछ इतनी ही मात्रा में ले लेनी है। लेने के बाद आपको इसे फांक लेनी है। आप चाहें तो आप इसे अपने हथेली पर अच्छे से मिला सकते हैं फिर फांक सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आप ऐसे ही इसे फांक सकते हैं। फांकने के बाद यानी निगलने के बाद आपको ऊपर से गुनगुना पानी पी लेनी है और आपको 5 से 10 मिनट तक इंतज़ार करनी है। देखेंगे आपके पेट में गैस बना हुआ था वो बिल्कुल कम हो जाएगा। इसके साथ साथ इसका कोई भी नुकसान नहीं है दोस्तों, हल्दी का प्रयोग आप ऐसे ही कर सकते हैं। हल्दी के बहुत सारे फायदे होते हैं, इसके अंदर करक्यूमिन नामक का तत्व होता है जिसके बहुत सारे फायदे होते हैं, यहाँ तक कि हल्दी हमें कैंसर से भी बचाती है। अब बात करते हैं दोस्तों, कौन कौन से ऐसे नियम हैं जिन्हें यदि आप फॉलो करते हैं तो आपके पेट में कभी गैस बनेगा ही नहीं। तो सबसे पहला नियम आता है दोस्तों, चोकर समेत आटे की रोटी खाना। जब आप आटे में से चोकर को निकाल देते हैं तो अब बहुत ही महीन हो जाता है, और जब आप उसकी रोटी बना करके खाते हैं तो वह जा करके आपके आंतों में चिपक जाता है। लेकिन जब आप चोकर का इस्तेमाल करते हैं तो आपके आंतों में चिपकता नहीं है और मल बहुत ही आसानी से बाहर निकल जाता है, जिससे अपच की समस्या नहीं होती है। नंबर दूसरा, अधिक गर्म और अधिक ठंडी चीज़ों से परहेज करें। कई बार लोग अत्यधिक गर्म भोजन कर लेते हैं और तुरंत बाद ठंडी चीज़ों का सेवन कर लेते हैं, या फिर खाना खाते ही तुरंत पानी पी लेते हैं, तो ऐसा आप नहीं करें। खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद ही पानी पिएं। तीसरा, आपको हर दिन व्यायाम ज़रूर करना चाहिए, हो सके तो सूर्य नमस्कार ज़रूर करें। इसके साथ साथ सबसे लास्ट दोस्तों, आपको ज़्यादा सलाद का सेवन ज़रूर करना चाहिए ताकि आपके शरीर को ज़्यादा मात्रा में फाइबर मिलता रहे और आपके पेट में कभी गैस नहीं बने। तो आज के इस वीडियो में हमने आपसे गैस को मिटाने का नुस्खा शेयर किया। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों।